अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक नए दिन, एक नए सफ़र और एक नई मंजिल के साथ हाजिर हैं एक्सप्लोर विद शोएब के प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देख लीजिए। हम लोग मना रहे हैं जी इंटरनेशनल माउंटेन डे, और इंटरनेशनल माउंटेन डे के लिहाज से हमारा जो इवेंट है वो है सोन वैली टूर्स वालों के साथ। हम लोगों ने कैंपिंग करनी है और हम लोगों ने ट्रैकिंग करनी है कल कनहट्टी गार्डन की। इस वक्त जनाब मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जाबा में, और पहला जो हमारा पार्ट था जो कि हम लोगों ने ट्रैकिंग करनी थी सुल्तान मेहंदी की, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स आवर कैंपिंग साइट। पीछे हम लोगों ने गाड़ी को पार किया है, एहसन भाई ने हमें लिया है, और जनाब तकरीबन इस टाइम वक्त हो रहे हैं 3:30, और लेट्स सी कैंप हमारा कैसा है। एहसन भाई उन्होंने हमें कर लिया है रिसीव, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप ही पहुँचे, सबसे पहले हम सब ही रहे थे, हम लेट हो गए, और उसके बाद भी आप अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच चुके हैं हम कैंपिंग साइट पर। Sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause he is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. जनाब हम पहुंच चुके हैं कैंपिंग साइट के ऊपर, और अब जनाब सेकंड जो काम है हमारा यहाँ, सबसे पहले जो हमारा काम है कैंपिंग साइट के ऊपर आने के बाद, वो ऑब्वियसली अपने कैंप को डिप्लॉय करना है। तो अपने जितने दोस्त हैं उनसे मदद लेते हैं और कैंप डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। किसी भी कैंपिंग टेंट की डिप्लॉयमेंट में 4 स्टेप्स तो जरूर परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो टेंट को मैट की तरह जमीन पर बिछा लिया जाता है, फिर इसको चारों कॉर्नर्स में पैक्स ठोककर अच्छी तरह से जमीन पर जमा दिया जाता है। फिर बारी आती है टेंट पोल्स की। टेंट पोल्स को आप सादी जुबान में टेंट के लेंटर भी कह सकते हैं। यूजुअली 2 टेंट पोल लाइंस होती हैं जो क्रॉस टाइल में उल्टा यू बनाकर खड़ी हो जाती हैं, और आखिर में हम टेंट के कपड़े में सिले क्लिप्स के साथ उसे टेंट पोल्स पर हैंग कर देते हैं। So let me hear you say, yeah. Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Nahi ji, tent hamara deploy ho chuka hai, and it's time to put luggage inside. लीजिए जनाब, कैंपिंग साइट पर शाम होती जा रही है और गरूबे आफ्ताब का वक्त करीब से करीब तर होता चला जा रहा है, और साथ साथ ठंडी हवा चल रही है जनाब, कुनकी बढ़ती जा रही है और सर्दी में इजाफा हो रहा है। बच्चे जो हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी चल रहा है, फ्रिस्बी भी खेली जा रही है। कैंप्स जनाब फुली डिप्लॉयड हैं, और मेहमान जो हैं वो जोगदर जो यहाँ पर आ रहे हैं, CEO सून वैली टूअर्स एहसन एवान भाई जो हैं वो खुद मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं उनके खेमों की तरफ। तमाम खेमों के अंदर बाकायदा मैनेजमेंट नाम आवेज़ा किए हुए हैं ताकि तमाम गेस्ट को पता चल जाए उनका खेमा कौन सा है और किसी किस्म की कोई मिस मैनेजमेंट ना हो पाए। इसके अलावा जनाब जो भी गेस्ट यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं उनको गुड़ वाली चाय सर्व की जा रही है रिफ़्रेशमेंट्स के साथ, ताकि आते ही वो लोग रिफ़्रेश हो सकें। इसके अलावा जनाब खाना तैयार किया जा रहा है, खाने में आज चिकन कढ़ाई है और रोटियां भी यहीं पे पकाई जा रही हैं। अभी जी इंशाल्लाह सूरज ग्रूब होने के मनाजिर को एंजॉय करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला नमाज़े मगरिब का वक्फा होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने कितना खूबसूरत दिन दिया, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह खाना होगा, और खाने के बाद बोन फायर पर महफिल लगेगी इंशाल्लाह। जनाब
जी सुबह से कुछ नहीं खाया ना जी कुछ वो जब पराठे खाए थे मैंने तो पहले भी इससे पहले भी पराठा खा के निकला था वाह जी माशाल्लाह धुएं उठ रहे हैं जी खुशबुएं भी उठ रही हैं हाँ जी जनाब वो कहाँ है जिससे ये सालन खाना है ये इसके अंदर है पटारी के अंदर वो देख लेंगे हमारी दुआएं कबूल करने के लिए उन्होंने पटारी ना दे दी चश्मे वाला इधर तो नहीं आ गया तुम दोनों जैसे कर लो सही है बिग साइज रोटी रोटी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होगी आपको मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा बड़ी है ये एक्स एक्स एल है बहुत कुछ निकलता है ये लो ये तुम मुझे मिल रहा है इधर कर दूं इधर कर ये तो मेरे साथ आ जाएंगे इधर आ इजी रहेगा फिर नहीं कर रहे बिल्कुल सर्दी बेहतर हुई है खाना आने पे थोड़ी सी बेहतर हो जाती है हाँ शोएब भाई खा लें आ जाए अगर मैं यूं ही खाता रहा तो फिर बाद में आपने कहना है कि वो यार मेरी रोटी खाने की तस्वीर ही नहीं लेगी ये तकरीबन कितना अरसा पहले तक के बुजुर्ग गई हैं ये तकरीबन कम से कम जो है ना ये 1870-80 या मतलब 1850 के बाद बात है 1850 के बाद हाँ ब्रिटिश का ही उस वक्त दौर था जब ये रोड्स बन रहे थे ना तो ये उसी दौर की बात है इनकी फिर आगे चिलागा वगैरह भी है तो फिर ख्याल आगे जाके बात करते होंगे बिल्कुल वहाँ पे दो तकरीबन चिलागा है और एक मस्जिद सिंह छोटी सी वहाँ पर आपने शायद देखी हो हाँ जी बिल्कुल बनी और जो चश्मे का प्रेशर है ना जो निकल रहा है बीच में अभी हालांकि सर्दियाँ हैं वो तो बहुत प्रेशर है उसका मतलब आज हम लोग देख के हैरान रह गए उसके अंदर से शदीद प्रेशर के साथ पानी जा रहा है बड़ा शफाफ पानी है कमाल हसन भाई पीने लगे ये मतलब देने वो आपको आए ना लो जी पढ़ो तो कल वाले ट्रैक के बारे में कुछ बताएं कल वाला ट्रैक उसमें दो ऑप्शन है एक तो ये है कि हम डाउन हिल करें इसको पचून से शुरू करके और नीचे तक जाएं कनटी तक जिसमें दो वाटरफॉल्स को कवर करेंगे और सीनिक ट्रैक है बहुत खूबसूरत है आपको माउंटेन की रेंज से जो जितना ये रोड बलखाता हुआ एक सांप की शक्ल में वो भी वहाँ पे नज़र आएगा और दोनों तरफ से ग्राफ में आप देख रहे होंगे रेड क्ले के माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे एक तो वो ऑप्शन है लेकिन उसमें ये है कि कुछ जगह पे तो उतराई है लेकिन आगे माउंट पहाड़ भी आ जाता है एक दो जगह पर ऐसा लेकिन टफ है वो मतलब ये ट्रैक ईजी नहीं है इसको हम मीडियम या टफ कह सकते हैं ईजी नहीं कह सकते दूसरा फिर ये ऑप्शन है कि हम कनट्टी के अंदर जा सकते उसका एक लूप की शक्ल में ट्रैक बनता है कनट्टी के ईस्ट की तरफ से हम जाएंगे नाला कबीर इसको हम बोलते हैं रेड क्ले का ये भी माउंटेन है और उसके अंदर एक बहरा है दरिया टाइप है जो कि जब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा भर के बहता है अभी भी उसमें चश्मों का मुख्तलिफ पानी मिल के तो अभी भी स्ट्रीम उसमें चल रही है और ये कितने किलोमीटर ये तकरीबन होगा हार्डली कुछ 4 किलोमीटर ये ईजी लेवल का है ईजी टू मीडियम जाएगा मतलब इसको हम सब भी कर लेंगे अच्छा
फिर तो जाएंगे मगर पहले मैं अपना रख लूं। हाँ, अपना निकाल ले। ये लें जी। कहते हैं जी रेवड़ी होगी तो पहलवान की होगी और हलवा होगा तो हाफज का होगा। ये है जो मैं कह रहा था आपको, ये फ्रेशली रोस्टेड, ये इनका अपना प्रोडक्ट है, फ्लैशली रोस्टेड हेयर इन द बोनफायर। वहाँ पे बैठा अभी पिछले साल जो मरी में इतना बड़ा इंसानी सानहा हुआ, बर्फ में लोग फंसे और वहाँ पे क्या सलूक हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इखलाकी इन्हितात और पस्ती का बहुत बड़ा जो है वो सबूत है। दूसरा ये है कि बिन हैसुल कौम हम लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल आते ही नहीं हैं कि हमने मुकामी जो लोग हैं उनका क्या कैसे ख्याल करना है। सारे के सारे वसाइल का रुख हमने झोंका हुआ बड़े शहरों की तरफ। वो जो कहते थे ना, नहीं है मेरी नज़र सूए कूफा और बगदाद, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद। ताज़ा बस्तियां तो हमने आबाद की नहीं, उल्टा जो पुराने ढोक और डेरे थे वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए। जिस जगह पे आबादी आती है वहाँ पे स्कीमें बन जाती हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट के माफियाज आ जाते हैं, जंगल काट देते हैं, झीलें बंद कर देते हैं। और अब एक रिसेंटली एक और स्पैम जो है वो इस लेक डिस्ट्रिक्ट में जो शुरू हुआ है, मैं क्योंकि रियल एस्टेट के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ थोड़ा सा तो अंदाज़ा होता है। अब एक ग्रुप है जो होल्डिंग लोग हैं प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के, जो इन सारी लेक्स के दाएं बाएं ज़मीनें खरीद रहे हैं। ये जितनी झीलें हैं इनके दाएं बाएं ज़मीनें खरीद के कब्ज़ा ग्रुप के ज़रिए खरीद के छोटे छोटे करके ताकि इन जगहों को कमर्शियल किया जाए, रिजॉर्ट्स बनाए जाएं, स्कीमें बनाई जाएं। और आप अगर ये चीज़ हो जाती है, आप तो एक तरफ इको टूरिज्म बगैर किसी वसाइल के बात कर रहे हैं, अगर ये लैंड माफिया, जंगल माफिया, शिकार माफिया, ये लोग अगर ये अपने इन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता आपको आज से 10 या 15 साल के बाद ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मिलेगी नहीं। ये सारे का सारा कमर्शियल हो के ये सारे का सारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें इको टूरिज्म के हवाले से और लोगों को एजुकेट करने के हवाले से हमें एक बाकायदा मरबूत तरीके से काम करने की जरूरत है। कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे शुएब भाई लेके आए। यस आई मस्ट से आखिरकार। और इसके अलावा जावेद भाई जो है उन्होंने भी बड़ा इंसिस्ट किया था, तो मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और आई एम रियली एंजॉयिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स रियली नाइस। उसके अलावा इस एरिया में भी मेरा ये पहला ट्रिप है, तो मैंने तो इस मुझे तो ये एरिया बहुत खूबसूरत लगा, इट्स रियली नाइस। और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, वो हमारे तो डिस्टेंस के हिसाब से भी बड़ा ये इजी एक्सेस में है, तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। इंशाल्लाह आई होप कि फ्यूचर में भी हम यहाँ पे चक्कर लगाएंगे और फैमिली के साथ इंशाल्लाह हम आएंगे। तो अभी जो है ना फरूख छोटा भाई ये मेरे साथ आया हुआ, मेरा बेटा भी साथ आया हुआ है अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा और ये फरूख इनका बेटा भी है साथ आया हुआ है, दोनों भाई और उन दोनों के बच्चे, दोनों के बच्चे। तो वी आर एंजॉयिंग। हाँ भाई बच्चे तुम लोग भी कुछ बता दो, कौन हो तुम लोग, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आगे आओ ना जरा, आ जाओ अहमद, चलो आज बेटा आ जाओ, आ जाओ, अपना नाम बताओ, क्लास का बता दो बस, खड़े हो जाओ। और सबसे ज्यादा कैंपिंग पे तो इनमें से कौन सा था जो कहता था मैंने तो जाना ही जाना है कैंपिंग पे, कैंपिंग का कौन कह रहा था? हाँ वो तो भाई फिर हमारा सबसे बेहतरीन यार तो वो है ना, जिस चीज पे मैं कायल नहीं कर सका वो ये लेके आया। जनाब माशाल्लाह आप देख रहे हैं, एक और दो अदनान भाई तशरीफ ला रहे कैंप में, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय ठंडा ठंडी जमीन है। हाँ जी अभी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा वो असल में जब इसके अंदर घुसेंगे ना फिर ठीक हो जाएगा, जिप बंद करेंगे ना सेट हो जाएगा, ब्रीद करेंगे अंदर। ये एक ये शायद जी स्लीपिंग बैग जी बिल्कुल, दूसरा गालिबन, दूसरा वो उधर पड़ा नहीं इधर है पांव में, ये रहा। सुभान अल्लाह जी ठंडा। ये है जी हमारा कैंप और फाइनली जी इंटरनेशनल माउंटेन डे की चांद रात है समझ लें आप, क्योंकि कल इंटरनेशनल माउंटेन डे है
और अल्लाह के फजल से आज जी हमने ट्रैक भी कर लिया है सुल्तान मेहदी का। कैसा लगा जी आपको सुल्तान मेहदी का चश्मा? बेहतरीन, बहुत अच्छा, मज़ा आया, बहुत ही नेचर के करीब, अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती अलग, ज़बरदस्त, और मीठे चावल अलग, मीठे चावल फ्री में, वो अलग, वो स्टाफ ना मज़ा था। हाँ, उसमें चमचम नहीं थे लेकिन मीठा अच्छा था, बैलेंस था, चावल अच्छे बने हुए थे। इंसान कभी खुश ही नहीं हो सकता। आंटी को मैं कहता ना कि इसमें चमचम नहीं थे, उन्होंने जितनी लालड़ी सी नहीं, लोकल भी अच्छे थे, माजी ने बड़ा, देखो यार वो कैसे मेहमान नवाज, मतलब माशाल्लाह, अपनी चावल वो लेके गए इतनी दूर, उन्होंने कहा ना चलो, हाँ उन्होंने कहा इनको भी खिलाओ भाई, डील किया ऐसा लोकल के साथ भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जनाब, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, दिन पूरा हमारा गुजर गया, और इंशाल्लाह ताला कल अब हम लोगों का दोबारा इरादा है ट्रैक करने का, और इंशाल्लाह अगर नाश्ता हम लोग करेंगे खबी की लेक के ऊपर, तो आज का जो वीलॉग है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं भी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा हूँ क्योंकि जनाब रोशनी कम है, और अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी स्लीपिंग बैग्स में घुसने लगे हैं फी मान अल्लाह, और पार्ट 3 जो होगा इंशाल्लाह ताला वो सेपरेटली अपलोड होगा कल इंटरनेशनल माउंटेन डे पे। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड कीप एक्सप्लोरिंग विच वे।